हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और काफ़ी गर्मी, इतना धूप पड़ रहा है कि पूछिए मत। तो मैं अपने भाभी से और बच्चों से आप लोग को मिलवाते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। भाभी, हमारे दोस्तों को हेलो बोल दो। हाय। भाभी, कुछ अपनी बातें बताओ ना पहले की, मेरी बचपन की। हाँ, बचपन की बताओ। अच्छा भाभी, आपके ज़माने में पहले वो खड़ी और मूसल क्या होता था आपके ज़माने में? था उससे धान हम लोग कूटते थे, चार चार पाँच पाँच किलो धान कूटते थे। वहाँ पर ये समय तो हम लोग को देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है। क्यों भाभी, उस समय मशीन नहीं था क्या धान कूटने वाले? मशीन नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम। हाँ, खाली ओखरी थी, धान कूटने के लिए मूसल था, लकड़ी का बनाते थे हम लोग, उससे धान पाँच किलो दस किलो कूटते थे। तो दो दिन चार दिन चलता था, फिर ख़त्म हो जाता था। अच्छा, कभी कभी हम लोग उपवास ही सो जाते थे। अच्छा भाभी, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं था क्या? नहीं, कोई नहीं था। मेरे पापा बीमार थे और मेरी मम्मी अकेले ही रहती थी घर में, वही सब घर संभालती थी, बीड़ी बनाती थी मेरी मम्मी बेचारी, बहुत हम लोग के लिए मेहनत की। और अभी बताओ। और एक बात बताओ। बताओ। अभी तो सुनने से पहले ही हंसी आ गई, इसका मतलब कुछ तो बात है। कोई बताओ ना। मेरी एक भाभी थी ना, वो बोली थी लेके जाओ अपने भैया के लिए खाना। तो मैं ना मेरे मम्मी को बिना बताए चली गई थी खाना लेके। और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर और दोनों बड़ी वाली ओखरी में धान कूट रहे थे। तो मम्मी मुझे भी बोले थे धान कूटने के लिए, तो मैं भैया को टिफिन लेके चली गई थी खाना। तब उधर से आई ना। तब क्या हुआ? मम्मी मेरे को मूसल से फोन दे। पहला गाना वो रहा कि मूसल से भाभी का वो सुनकर कहानी कैसा लगा जरूर बताइएगा। और खेत में कितना आनंद आ रहा है। ये थोड़ी तुम्हें कुछ हो गया है क्या? क्यों सोए हो इतना धूप में? हाँ, इतना धूप खेल रहा हो, सो रहा है।